हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युता तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बलि महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सत्य जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनावु। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊ महापुरुष अच्युतानंद गुरुभक्ति गीतार चारि प्रकार वैराग्य कथा जो आलोचना करतींद्र वैराग्य संयोगी वैराग्य ऊर्धवाऊ वैराग्य एवं मन वैराग्य। गत अध्याय आम जतींद्र वैराग्य कथा आलोचना करूँ नहीं तेणु गुरुकूल को पिला जीवा दरकार से रही शिक्षा लाभ करवा दरकार। आम पिला जन्म है क्षण दुई तीन वर्ष शिक्षा लाभ करे कांधे बेग पकईकिपर पंद्रह कोड़े किला पकईकि नर्सरी के जी पठेले धीरे धीरे से कूजा हो गला अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखी है बाबू रे देख कड़ी जोग से सहेले मणिषा होइब बामन तोले जाई फुलालो देखिबो तोही नयने जाई फुलालो तू देखिबो तोही नयने जाई फुलालो देखिबो तोही नयने जाई फुलालो। धीरे 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 मनीष बामन अवस्था को आसबन आम बिवर्तनवाद कथा कहते डारुइनकर बिवर्तनवाद तेरे भगवान बामन अवतार हेले धीरे धीरे कौन ना पशुत्वर धीरे धीरे से आगू टे आगेला कौटा करवा ठीक कौटा करवा उचित नुह कौटा नीति कौटा अनीति कौटा न्याय कौटा अन्याय कौटा भल कौटा मंद ये कथा कहीं अधा पशु अधा मनीष नरसिंह से जंगल मनीष रोला पशुर स्वभाव भितर था सी कंचा खाऊला कौन निवस्त्र रोला लंगड़ा हो बुलू ना जंगल मनीष कितु धीरे 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 जितेबले सी जाणला जा कंचा खाइबा अपेक्षा पोड़ी खाइले आहरी सुस्वाद लगे ना लंगड़ा हो बुल मोर वस्त्र आवश्यकता रही लज्जा निवारण वस्त्र पिंधा शिखला पोड़ की खाइबा शिखला भलमंद विचार कला निजर पर विचार कला तेणु सी धीरे धीरे बामन अवस्था को भगवान से बामन अवतार है मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह बामन या पर हूँ परशुराम धीरे धीरे बामन से क्रोधी है क्रोधी है हटात कि रागिजा सामान्य कथार उत्क्षिप्त हो जा अवतार है परशुराम अवतार भगवान मनीष धीरे धीरे परशुराम रु राम को आस अर्थात उग्र रु प्रचंडतारु क्रोधरु धीरे धीरे से शांत अवस्था को मनीष आसला सभ्यता आड़ को आगे मनीष नहीं सभ्य सी है समाज में कमी चलिया को हुए नीति नियम कमी रहा हुए किमी आचरण करने को पड़े ये शिक्षा द्वारा सी शिखला राम अवतार है बलराम अवतार समय क्रम धीरे 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 तेल बुद्ध अवतार जान ला साधनार आवश्यकता रही सिद्धि आवश्यकता रही तपस्यार आवश्यकता रही मनुष्य जीवन में धीरे धीरे बिवर्तनवाद याड़ को गला तेणु कहार अर्थ या को शिक्षा गुरुकूल ही दि जाए ये सब गुरुकूल आवश्यकता रही तो से अच्युतानंद महापुरुष लेखिले संयमी वैरागी लक्षण कौन ना दस बार वर्ष पर्यंत से राजकूल पिला जन्म हेले सुधा सी जा गुरु आश्रम रही शिक्षा लाभ कर गुरु आश्रम से रहा दरकार पुनश महापुरुष आउ कौन कहले
बोले बार बरस गुरु सेवा मंत्र जंत्र तंत्र सिखीबा गोविंद 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 मधु गाड़ोची मकर बोले बाबू रे बार बरस गुरु सेवा मंत्र जंत्र तंत्र सिखीबा आगुरु थिला मंत्र जंत्र तंत्र नथिला मंत्र शक्ति बळरे असाध्य साधन करि पारतले साधु संत मान मंत्र शक्ति बळरे सब किछि असाध्य को साधन करि पारुथले तंत्र शक्ति बळरे असाध्य को साधन करि पारुथले जंत्र वसाण माध्यम रे सब असाध्य को साधन करि पारुथले साधु संत मान तेणु ये शिक्षा गुरुकूल शिष्य शिखिवा दरकार राम शिखिते कृष्ण शिखिते सब राजपुत्र मान शिखुले आम आजिकल ताे ना आम शिक्षा केवल पिला को देले शिक्षा आमको सांसारिक ज्ञान दिए कौ शिक्षा देले बापा माँ मान चाहिए मो पा डाक्तर हूँ पाठ पढ़ी कौ बापा माँ को आप आज पचार ना जी पचारे पिला को पाठ पढ़ुच कौन पाई किए कह मो पुओ पाठ पढ़ी इंजीनियर हम से पढ़ाऊँ कहे ना मो पा को पाठ पढ़ाऊँ जड़े सन्थ कर जड़े बेकानंद भू करी जड़े से भली भल महापुरुष सी हौ बुद्ध भली साधन से सिद्धि पाऊ बापा माँ आज कह ना कहीं तार तार से जिनस गुड़ी आम पाई आज अगड़ा अपछा हो दरकार नहीं आम से गुड़िक सी हेले कौन हम तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधियानी पिला प्रथम संस्कारवान हवा दरकार पिला प्रथम संस्कारवान हवा दरकार तेणु शिक्षा आमको सांसारिक ज्ञान दिए पाठ पढ़ी चाकरी करी पैसा रोजगार करी परिवार प्रतिपोषण करवा ये सब शिक्षार अंतर्गत कि विद्या आमको सुसंस्कारित कराए विद्या पिला गुरुकूल ही शिख विद्या से शिखे मंत्र जंत्र तंत्र व्यवहार क्या कमी करवा बापा प्रति कमी व्यवहार माँ को कमी व्यवहार गुरुजन प्रति कमी व्यवहार कमी भल मनीष हवा ये विद्या पिला गुरुकूल शिख शिक्षा सहित विद्या ग्रहण करे तेना महापुरुष से ही कथा कहते जे बार बरस गुरु सेवा मंत्र जंत्र तंत्र शिखा गुरुकूल थी शिखे दि जाऊला ये प्रयास हवा दरकार आमर सब स्कूल मानक शिक्षा विद्यालय मानक कॉलेज मानक आध्यात्म ज्ञान शिक्षा देवा दरकार नैतिक शिक्षा रहा दरकार ये शिक्षा सहित नैतिक शिक्षा रे पा प्रथम डाक्तर हूँ इंजीनियर हो बड़ अफिसर हो प्रथम आगे जन भल मनीषे बुझे भल मनीष आज गढ़ा कारखाना ना कि डाक्तर तैयारी कारखाना अच्छी इंजीनियर तैयारी कॉलेज स्कूल अच्छी भल मनीष गोड़ा तैयारी कौन स्कूल कॉलेज आम से प्रयास करूना करतु तेना महापुरुष कह जतींद्र वैराग्य कहती द्वितीय हूँ संयमी वैराग्य ये संजोगी वैराग्य ये संजोगी वैराग्य कौन ना संजोगी वैराग्य लक्षण जियो बा करती धारण गोविंद 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 मधु गाड़ोची मकर संजोगी वैरागी लक्षण जियो बा करती धारण संजोगी वैरागीर लक्षण कौन ना संजोगी वैरागी माने परिवार थिबो स्त्री थिबो पिला छुआ थिबे कुटुंब माने थिबे तार भीतर से रही थिबे अतिथि आसुथिबे अतिथि सत्कार गृह को जदि आसी अतिथि सत्कार करूथिबा अतिथिंकर सेवा जत्न करूथिबा एवं आउ महापुरुष कहउचंती कौन ना तार भीतर रही मध्य से माने साधना करथिबे ईश्वर आराधना करथिबे एगो संजोगी वैरागी कहंती बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय कले दारा पु त्रंक आराधंती दारा पु त्रंको आराधंती धन पही आबोरंती धन पही आबोरंती जियो बा अर्ण कमाइणा जियो बा
कर्ण कमाईना गृह रे रंधारा करीना गृह रे रंधाना करीना ज्ञानी गुणी मंडली सिद्धि यानी कहिवार कथा जे संजोगी वैरागी लक्षण कौन परिवार छाड़ की जीवना परिवार भीतर रही स्त्री थी दारा कहले स्त्री पुत्र पिता माता ये सब मेले थी घरे जहाँ रोसई हो रोसईवास हो धन रोजगार करुवे अन्न तैयारी घरे हो तार भीतर थाई जदि अतिथि किए आसिले थर जन संत जन बाबाजी आश्रम थे ये समय मुसलधार वर्षा होता ये वर्षा जो होता ये समय जड़े आगंतुक आसिक पहुँची गले वर्षा दाऊ रक्षा पाइबापी बाबाजी एकुटिया से आश्रम शोले विश्राम नौले ठक टक जो कबाट हैलाना कबाट खोलीदे आगंतुक कहे हे महात्मा हे महामुनि ये वर्षा ये जोर मुसलधार हो मुति बुड़ी गले कौन करी आपण को ये कुड़िया मत आश्रय मिलवनी साधु महात्मा शोले कहे ये घरटा जी अच्छी ये घर रे आमे जड़े बसी पार आउ जड़े तांगे बसी पार दीज सोई पारानी विश्राम नहीं पारानी ना ठीक अच्छे दीज जब बसी पार मु बसी पारि तेणु दीज साधु महात्मा एवं से आगंतुक दुईज से घर बसिले साधु विश्राम समय कि विश्राम समय सी से आगंतुक सहित दुईज बर्षा रक्षा पाइबे बसिले से कुड़िया पुणी किसी क्षण बीतीगला किसी क्षण बीतीगला आउ जड़े आगंतुक आसी कबाट ठक ठक कले साधु महात्मा कबाट खोली देले कबाट खोली देले इस समय कहले कहे आज्ञा कौन करिया वर्षा प्रबल बाहर जोर हो वर्षा दाऊ मत टे सुरक्षा मिलवनी आपण को कुड़िया आश्रय मिलवनी साधु महात्मा देखिले कहे कौन करवा छोटिया कुड़ियाटी ये बर्तमान मोर विश्राम बेल था विश्राम करते शो था शोपाले ना जड़े आगंतुक आसिक पहुँची गले दीज आम केवल बसीचु कितु आउ तीन जन बस जगह ना तो कौन करवा तार कौन मुझे फेरीजी साधु कहे ना 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 फेर ना आम तीन जन ये कुड़िया भितर ढड़ा हो पार जड़ होते शोपार दुईज होते बसी पार तीन जन होते ढड़ा हो पार आ बसी पारानी कि शोपार साधु से आगंतुक को भितर को डाकिले तीन जन जाक वर्षा दाऊ रक्षा पाइबापी से कुड़िया ढड़ा हो रही वर्षा बंद हवा पर्यंत वर्षा जो बंद हो गला दुईज आगंतुक साधु पाद तले पड़गले कहे हे महात्मा आपण संथ जदि संसार रहा तो संसार स्वर्गर परिणत हो कहा कहा भीतर मतांतर मनांतर रहा समस्ते मिलमिशी चलिए आपणार ही चलिए तेणु कहार कथा संजोगी वैरागी हूँ सीए जी पर रोसईवास होती जड़े आगंतुक जदि आसी पहुँची गले जड़े अतिथि आसी जदि पहुँची गले जड़े भिकारी आसिक जदि पहुँची गले तो कौन कह आम चार जन रोसई आउ तुम आसिक पहुँची गल दिज तुम्हें हेनी आउ कौट जाओ व्यवस्था करना जी रोसई चारिजण मन रखु ये कथा अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है गुरुभक्ति गीता ये दिग्दर्शन दौरान समाज को जदि जनक पेट पूरा खाइबाक अच्छी जदि आउ जड़े अतिथि आसी पहुँची गले आम अध पेट लगा तो दीज खाई जेता बांटी कुंटी खाइबा परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु से कही नीतिवाणी रे निज अन्न बांटी खाओ जहाँफल कि तुम पड़सा सुख शांति रही पार पड़सा सहित कलिकजिया झगड़ा होबना तेणु महापुरुष अच्युत से कथा कहले जदि जनक पेट पूरा खाइबाक अच्छी जड़े अतिथि आसी पहुँची गले दुईज अध पेट खाइबा जदि तीन जन आसिक आउ जड़े अतिथि आसी पहुँची गले कि तो भाग बंटा कर खाइबा ना तेल संजोगी वैरागी हूँ सीए पर परिवार जहाँ थी ताकि आगंतुक अतिथि किए आसीगले मिलमिशी बांटिक सी खाऊ कहती संजोगी वैरागी महापुरुष पुणी कहते कौन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि बोले जे हबा अन्न कमाइबा जे हबा अन्न कमाइबा गृह रे रंधन करीबा गृह रे रंधन करीबा आपणा
कुटुंब जे पाड़ी आपणा कुटुंब जे पाड़ी पर को देव थीब भाड़ी पर को देव थीब भाड़ी आपणा कुटुंब को देव थीब पर जदि किए आसी पहुंची गले तार मध्य पेट पुरौ थीब आगे घर को ही ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी भागवत लिखि ना ये कथा भागवत मत अति बड़ी जगन्नाथ दास ये उल्लेख कर भागवत कौन ना जे प्राणी कौन करे अति जाघर अतिथि बा उड़े से प्राणी प्रेत मुखे पड़े जाघर अतिथि खाली हाथ में फेरी जाती जाघर अतिथि भोक फेरी जाती से प्राणी से लोक प्रेत मुखर पड़े तेनाली महापुरुष कौन अच्युत कहे आपणा कुटुंब को खुआउ थ कि अतिथि भिकारी आसिले तार क्षुदा तृषा तार निवारण करू संजोगी बैरागी कहती कहे कुणिया अटे तार सार कुणिया अटे तार सार जतने दिए ता मुखर से जतने दिए ता मुखर सुधी जानी ज्ञानी गुणीमंडली दानर महात्म्य केते अर्जुन आगरे सबुबले भगवान कृष्ण कर्णर प्रशंसा करते महादानी कर्ण ता दारु कई फेरते ना भगवान कर एक कथा अर्जुन एकमत हेले ना कहे प्रभु आप सबुबले कथा मो कान कौन शुणी 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 मत भारी विरक्त लगला ना विरक्त कौन विरक्त कौन पाई ना आपण सामन अच्छा मो बड़ भाई किए युधिष्ठिर सी सब तो दान करना सब दरबार कई फेरती ना खाली हाथ में जितेबले जी आसे आते से खाली हाथ में फेराते ना तार जहाँ सी माग से दे दिखते मो बड़ भाई युधिष्ठ को प्रशंसा आप न कर कर्ण को कहीं शत्रुटा को आप प्रशंसा करूँ कहीं प्रशंसा करार कारण अच्छे ना परीक्षा करा चाहू युधिष्ठ को चाहू कर्ण कहीं श्रेष्ठ परीक्षा करा चाहू ना हाँ प्रमाण मत दिंतु भगवान युधिष्ठ निकट को छद्म बेश गले अर्जुन को सांगे दे अर्जुन छद्म बेश कृष्ण छद्म बेश युधिष्ठ सोइथिले रातिर मूसलधार वर्षा बर्षुची भगवान जाकि ब्राह्मण बेश पहुँचिले अर्जुन सांगे ब्राह्मण हो कहे डाकिले कहे हे मणिमा ना मुझे ब्राह्मण यज्ञ आस मु करी घर यज्ञ करी टे मोर चंदन काठर आवश्यकता रही चंदन काठ टे दिंतु युधिष्ठ देखिले चंदन काठ सरी जाइए चंदन काठ ना कहे देखु वर्षा तो चारिड़े हूँ हे ब्राह्मण देवता चंदन काठ कौट जंगल को जाकि वर्षा मुझे खोजिक आनीपरि आ घरे भी सेमती चंदन काठ ना गोटे कम करूँ पचे तार मूल्य आप कौटू नहीं जी चंदन काठ मो पाखे ना 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 वर्षार कड़े मुझे अच्छा ठीक अच्छे हाउ से बर आसंता का मुझे जोड़ करदेवि आपंपी मुझे असमर्थ असमर्थ प्रकाश कले अर्जुन को सांगे धरी भगवान कृष्ण कर्णर निकट द्वार निकट पहुँचिले डाकिले कर्ण बाहरी आसे कह ब्राह्मण देवता कौन कारण आप आसी पहुँचिले क्यों कारण कौन आपण दरकार कहतु ना आसी गोटे बड़ कार्यपाई ना कौन ना मुझे ब्राह्मण यज्ञर आयोजन करी से यज्ञ चंदन काठर आवश्यकता रही मत कि चंदन काठ देदे मोर आवश्यकता पूरण हो शुणी तुम्हें महादानी कर्ण आ शुणिक तुम पाखक आसी बहुत जगह फेरिले तुम पाक आई अर्जुन भाबुले कौटू आणिक दब मो बड़ भाई धर्मराज युधिष्ठ जो निराश हो गले ये कौटू आणव कर्ण ये जो शुणिले कह आज्ञा देखु बाहर प्रबल वर्षा ये बर्षार मुझ कौट जा चंदन काठ संग्रह करी आरे मोर से यज्ञ जी दरकार हाँ ठाकुर घर तो किसी अच्छे मुझे घोरिक चंदन भगवान ठार लगाए से कौन तुम आवश्यकता पूरण हो ब्राह्मण बयसरे भगवान कृष्ण कहते हेनी अधिका दरकार ना यज्ञ करी चंदन काठ अधिका दरकार ना अधिकार आवश्यकता मुझे बर्तमान पूरण करें ये बर्षार कड़े मुझे कह कड़े जी आनी उदात सब हो जंगल चंदन काठ ना ना तार कौन मुझे निराश ही फेरी जी कर्ण कहे ना ना कर्ण द्वार आज पर्यटन कहीं निराश ही फेरी ना मुझ को मुक्त हस्त खाली हाथ में फेरई देनी मो द्वार देश देवी आपण को चंदन काठ व्यवस्था करी केमी करे चंदन कर्ण जो पलंग शोले से पलंगटी थी चंदन काठ से पलंगटी चंदन काठ से या
कर्ण काल विलंब कले ना हे ज्ञानीमूली मंडली देख तु के बड़ दानी कर्ण सी के बड़ दानी सी तत्क्षणात से पलंग टी को सी भांगी देले तादर जो चंदन काठ गुड़ लगी संग्रह करी ब्राह्मण देवता हाथ में अर्पण कले कले हे ब्राह्मण देवता ये रत्न पलंग मोर रत्न खचित चंदन काठ रे रत्न खचित हो रत्न पलंग मोर यटा को भांगी दे आई काठ जो चंदन काठ कि लगी काढ़ी आतीक आप आवश्यकता पूरण होबनी यज्ञ समाप्त यज्ञ हो पारनी ब्राह्मण देव ब्राह्मण वेश भगवान कृष्ण कहे धन्य धन्य दानी कर्ण धन्य तु धन्य तोर दान ना ही जीव चंदन काठ से नहीं कि आसिले अर्जुन को बाटर कहले अर्जुन कहीं सब बड़े कर्ण को प्रशंसा कले जान प्रशंसा कले जान ला तुम धर्मराज युधिष्ठिर ठारु दान रे कर्ण हूँ श्रेष्ठ क्या अतिथि की खाली हाथ में से घर द्वार मोर फेरे दिए ना सबकि अतिथि आवश्यकता पूरण कर निजक जलांजलि दे दिए तेना अच्युत महापुरुष कहते हे रामचंद्र संयोगी वैरागी हूँ सीए जी खाली हाथ में घर द्वार मोर अतिथि की फेरे दिए ना निजे बर भोकिला रही जाए कि खाली हाथ में से फेरे देव ना कहले जे कुणिया अटे तार सार जतने दिए ता मुखर जत्न पेट भरी खुआए जत्न तार उदर भरे तार क्षुदा निवारण कर संयोगी वैरागी वैराग्यर लक्षण सदैने ज्ञानी गुणीमंडली आज ये कथा आम शुणिले संयोगी वैरागी क्या कहते आम प्रयास करवा आम चेष्टा करवा से भाई हवापाई संसार भितर रही स्त्री पिला छुआ सहित तो रही ताल आम शांति सुखर रही पार प्रभु प्राप्त हो भगवत प्राप्त हो आज तो समय ही तो आसत वाणी की विराम दवा से प्रभुंर नाम नहीं रघुपति राघव राजन सीताराम रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम 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 बज प्यारे तू सीताराम 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 बज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सिद्धि जनी आज आसंत बाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।